हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। मैं आपका दोस्त के गाना नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो मेरे पास V4 V5 का PC भी पड़ा हुआ है, आप पहले फॉल्ट देख लीजिए। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा मैं आप सबको बताऊंगा। तो चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। तो आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, बैटरी लो आ रहा है। तो देख सकते हैं बैटरी लो प्रॉब्लम आ रहा है और ये बीप करके UPS ऑन का LED बंद हो जा रहा है। तो चलिए इस PC को रिपेयर करते हैं काना सर के अकॉर्डिंग, जिस तरह वो मुझे समझाए हैं या क्लास में मुझे पढ़ाए हैं और डायग्राम जिस तरह मुझे समझाए हैं, उस हिसाब से मैं इस PCB को रिपेयर करता हूँ। तो गाइज, अभी काना सर शॉप पे अवेलेबल नहीं है और आशा करता हूँ मैं आपको उनकी तरह थोड़ा या फिर अच्छा से समझा सकूँ। और चलिए रिपेयर करते हैं इसे। अगर रिपेयरिंग में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर बैटरी लो आता है तो बैटरी लेवल सेंस का पिन चेक करना चाहिए कि कितना वोल्ट आ रहा है वहाँ पे। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ। तो गाइस, काना सर के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका पिन नंबर 5 बैटरी लेवल सेंस है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, जैसे आप देख सकते हैं 2.4 आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 3.4। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसका बैटरी लेवल सेंस पिन नंबर 5 है और काना सर के डायग्राम के अकॉर्डिंग पिन नंबर 5 इसका बैटरी लेवल सेंस है और इस पे वोल्ट होना चाहिए 3.4 और आ रहा है 2.4। तो यहीं से इसका फॉल्ट क्रिएट होता है। तो दोस्तों, मैंने काना सर का डायग्राम खोला और मुझे बैटरी लेवल सेंस के सेक्शन में मुझे 2 रेजिस्टेंस मिला, R56 और R36। चलिए इसे चेक करते हैं। तो चलिए इसका लोकेशन देख लीजिए। R56 यहाँ पे है और R36 ये वाला। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ये वाला है R36। तो दोस्तों, डायग्राम में लिखा हुआ है कि R56 51K का है और R36 1K का है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले R36 को चेक करते हैं, उसके बाद R56 को चेक करेंगे। मैं मीटर को सबसे पहले ओम के रेंज पर रख लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि R36 का वैल्यू 1K आ रहा है और R56 का देख लेते हैं, R56 का कुछ नहीं आ रहा है। तो एक दो बार और मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो गाइज, R56 का रेजिस्टेंस मैंने 2-3 बार चेक किया और इसका रेजिस्टेंस ओपन हो गया है, ये शिफ्ट हो चुका है, ये 51K का है। मैं इसे चेंज करके देखता हूँ। तो गाइज, सावधानी से निकालना है, इधर उधर का प्रिंट नहीं जलना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है, कोई भी अलग फॉल्ट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल दिया है। मैं इसको साफ करके न्यू रेजिस्टेंस में इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 51K का रेजिस्टेंस है, मैं इसको इसमें इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं इसे इसमें लगा के देख रहा हूँ, आप सावधानी से इसे लगाइएगा, इधर उधर का प्रिंट जलना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 51K का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है, आप इसका वैल्यू देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है 50.8K, तो ये 51K के आसपास आ रहा है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट कनेक्ट किया और मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम। तो दोस्तों, देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ बैटरी लेवल सेंस का पिन नंबर 5 चेक करके। तो दोस्तों देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, देखिए यहाँ पे 3.5 वोल्ट आ चुका है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया फॉल्ट को
फॉल्ट को रिपेयर करके, छोटा सा फॉल्ट था। और तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा, और कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरा शॉप का स्टूडेंट एक छोटा सा फॉल्ट लेकर के वीडियो बनाए। मैं शॉप पे नहीं था, इन्होंने खुद से ही ट्राई किया वीडियो बनाने का और मुझे कंटेंट दिखाया कि देखिए सर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो मैंने देखा कि कंटेंट भी सही था और समझाने का तरीका भी सही लगा। जो भी थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया वो सही ही किया, तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे इसको छोड़ देना चाहिए और इसी के साथ मैं इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इनके द्वारा दिए गए जानकारी और कंटेंट आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आप भी मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे आपको अपना फुल एड्रेस डाल देना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। अगर क्लास से इंटरेस्टेड है, क्लास करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे अपना फुल एड्रेस डाल के छोड़ दीजिए। क्लास का क्या प्रोसेस रहता है, टर्म ऑफ कंडीशन आपको व्हाट्सएप मैसेज पे बता दिया जाएगा। ठीक है।